सो फाइनली दोस्तों गदर 2 वर्सेस OMG 2। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ है कि भाई गदर 2 वर्सेस OMG 2 हो रहा है। दोस्तों अक्षय पाल जी के जितने भी फैंस ग्रुप है, जितने भी दोस्तों फॉलोअर हैं, भाई सबके सब यही बोल रहे हैं कि सन्नी पाल जी से हाथ मिला लिया अक्षय पाल जी ने, और दोस्तों ये दोनों फिल्मों को प्यार दे। अक्षय पाल जी के जो फैंस ग्रुप है सन्नी पाल जी के फैंस ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं, और सन्नी देओल के फैंस ग्रुप है अक्षय पाल जी के फैंस ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों एक अफवाह बहुत तेजी से रही है कि दोनों फिल्मों को ना लोग प्यार देंगे, और दोस्तों ये दोनों फिल्मों में कोई टकराव की कोई गुंजाइश मत रखो, ये दोनों फिल्मों को देखे, जनता दोनों फिल्मों को प्यार दे। तो भाई ऐसी न्यूज आ रही है, और साफ सीधी बातों में बोलूं दोस्तों कि OMG 2 है ना, साफ सीधी सी बात है भाई, डर गई है, हार मान चुकी है। बहुत बड़ी अफवाह भी OMG 2 को लेकर आ रही है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, लाइक कमेंट कीजिए, अपने भाई रवि चौधरी को प्यार देना ना भूले। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई जो गदर 2 का 1,01,000 इंटरेस्ट आज की डेट में अभी शाम तक बुक्ड है, इंटरेस्ट शो हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी की बात भी हो रही है कि हम सब की जो मेहनत है, आप सब की मेहनत है दोस्तों, रंग लेकर आई है, तो बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों अगर मैं गदर 2 के एडवांस बुकिंग टिल 11 अगस्त तक भी बात करूं, तो दोस्तों कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि अगर 2,00,000 भी क्रॉस करे तो दोस्तों बहुत अच्छे खासे आंकड़े नंबर मिलेंगे एडवांस बुकिंग कलेक्शन से। लेकिन मैं यहां पे कंपेयर करूंगा दोस्तों गदर 2 के एडवांस बुकिंग की, मैं OMG 2 से कंपेयर नहीं करूंगा, मेरा कंपैरिजन OMG 2 से हो ही नहीं सकता, क्योंकि OMG 2 भाई मुझे पता है कि अभी 31,000-32,000 शो हो रहा है। दोस्तों OMG 2 कुल मिला के पीछे ही रहेगी गदर 2 से, चाहे वो भले ही फिल्म चले या ना चले। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं कंपेरिजन की, तो मैं यहां पर पठान ने जो बेंचमार्क सेट किया है, मैं पठान से कंपेरिजन करूंगा। अब बहुत से लोगों ने बोला है कि पठान का फेक कलेक्शन था, हम पठान के फेक कलेक्शन से कंपेरिजन क्यों करें। यहां तक कि काजल ने भी बोल दिया था कि यार पठान इज इट रियल कलेक्शंस ऑफ द फिल्म पठान, उनको भी डाउट था। बट कोई दिक्कत नहीं यार, हम फेक कलेक्शंस की फेक हाइप से ही कंपेयर करेंगे गदर 2 को, क्योंकि गदर 2 दोस्तों ये कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है, बहुत ही बड़े लेवल की एक्सपेक्टेड फिल्म है। तो दोस्तों अगर मैं फेक कलेक्शन से भी कंपेयर करूं, तो मुझे पता है कि पठान का जो 25 जनवरी को फिल्म रिलीज होनी थी, और 20 तारीख से इसके एडवांस ओपन शुरू हो गया था, तो भाई साहब इसने लगभग 5,00,000 से भी ज्यादा टिकट सोल्ड हुए थे, और साथ ही साथ दोस्तों 700K का इंटरेस्ट था, यानी कि 7,00,000 इंटरेस्ट शो हो रहा था। अभी हमारे गदर 2 के दोस्तों 1,00,000 इंटरेस्ट शो हो रहे हैं, क्या ये मुमकिन है कि 7,00,000 का इंटरेस्ट बुक माई शो पे हो। शाहरुख खान की ऑडियंस सन्नी देओल की ऑडियंस से दोस्तों टोटली अलग है। मैंने आपको बार बार बताया कि जहां एक तरफ सोशल मीडिया पे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे है जहां पे सन्नी देओल के फैंस लोग एक्टिव नहीं है, वो लोग इस प्रकार से है कि भाई फिल्म गदर 2 आ गई है, हम सीधा अपने परिवार को ले जाकर दिखाएंगे। सन्नी देओल की ऑडियंस इज लाइक दैट। लेकिन पठान की ऑडियंस ऐसी थी कि यार नहीं यार क्या बोलते हैं, हम बुक माई शो पे इंटरेस्ट बुक करेंगे, हम फेक पीआर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों शाहरुख खान की ऑडियंस कुछ इस प्रकार थी, लेकिन सन्नी देओल की ऑडियंस भाई ऐसी ऑडियंस है जो कि कई लोगों के पास, तो मैंने बताया था कुछ परसेंट लोगों के पास तो फोन ही नहीं है, कुछ लोग तो ऐसे है कि भाई सन्नी देओल की मूवी आ गई है गदर, दोस्तों सीधा देख कर जाना है। तो कुल मिला के दोस्तों गदर 2 की ऐसी ऑडियंस है। तो पहली बात, अगर 7,00,000 का इंटरेस्ट भी अगर बुक माई शो पे नहीं होता गदर 2 का, तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये जो बात चल रही है ऑनलाइन बुकिंग की, दोस्तों ऑनलाइन बुकिंग पे मुझे अभी भी कह रहा हूं मैं टोटली एग्री नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि गदर 2 का कलेक्शन जो होगा एडवांस बुकिंग से, अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं, ऑनलाइन बुकिंग से बात करूं लाइक बुक माई शो से, तो ये 3-4 करोड़ भी कमा सकती है। लेकिन ऑफलाइन में दोस्तों, ऑफलाइन और स्पॉट बुकिंग की बात करूं, ऐसे लोग जो तुरंत टिकट खिड़की घर पर जाकर कल के लिए टिकट बुक करें, दोस्तों ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है गदर 2 फिल्म को लेकर, और वो बहुत एक्साइटेड है कि हम जिस दिन फिल्म रिलीज होगी अपने परिवार की टिकट बुक करेंगे एक दिन पहले और फिल्म को देखने के लिए जाएंगे। तो इसको बोलते हैं दोस्तों बेसिकली स्पॉट बुकिंग और ऑफलाइन बुकिंग, और अनब्लॉक सीट भी आप इसको बोल सकते हो। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में अगर मैं बात करूं कि अगर ये 3-4 करोड़ भी ऑनलाइन बुकिंग से कमा रही है, तो ऑफलाइन बुकिंग से कम भी 6-7 करोड़ का कलेक्शन होगा एडवांस बुकिंग में। और जो एडवांस बुकिंग के आंकड़े में अगर पठान की फेक कलेक्शन से भी करूं, तो कहा जा रहा है कि पठान जो है 1 मिलियन टिकट सोल्ड आउट किए थे, और पठान ने लगभग दोस्तों 30 करोड़ ग्रॉस और नेट में लगभग मेरे ख्याल से 25 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन किया था एडवांस बुकिंग से, जिसमें उसने RRR, KGF चैप्टर 2 तमाम फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। गदर 2 दोस्तों पैन इंडिया फिल्म है, लेकिन सिर्फ एक ही लैंग्वेज हिंदी में रिलीज हो रही है। कई लोगों के क्वेश्चंस थे क्या गदर 2 एक
पैन इंडिया फिल्म है दोस्तों, पूरे भारत में रिलीज होगी, स्क्रीन्स भी ज्यादा मिलेंगे, लेकिन हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होगी दोस्तों। कोई अलग से इसको डब नहीं किया है, लाइक तेलुगु, कनाडा, कोई ऐसे मल्टी लैंग्वेज में डब नहीं है, हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होगी। वही पठान का दोस्तों फेक कलेक्शन के अंदर मैंने आपको बताया कि 30 करोड़ का कलेक्शन किया था, ठीक है। तो हमारी जो गदर 2 होगी दोस्तों जो आ रही है, मैंने आपको बताया था कि अगर ये एडवांस कलेक्शन 10 करोड़ भी कर रही है, फॉरगेट कि वो 30 करोड़ करे या ना करे, लेकिन एडवांस कलेक्शंस में यानी कि 11 अगस्त से पहले भी अगर 10 करोड़ के आंकड़े को छू रही है दोस्तों, तो भी बहुत बड़ी बात होगी। और दोस्तों गदर 2 फिल्म ऐसी फिल्म नहीं है जैसे कि आजकल के सुपर हीरो की फिल्मों आती है, लाइक भेड़िया रिलीज हो गई वरुण धवन की, लाइक रणवीर कपूर की हो गई, जो 4 दिन चलती है और 5वें दिन गिर जाती है। दोस्तों गदर 2 उन फिल्मों की लिस्ट में से नहीं है। गदर 2 का मैंने जो प्रोडक्शन अभी आंकड़ा निकाला है उसमें से एक आंकड़ा यह है कि ये फिल्म जो है पहले दिन लगभग 30 से 35 करोड़ का कारोबार करेगी, दूसरे दिन लगभग दोस्तों 45 से 50 करोड़, तीसरे दिन भी लगभग 45 से 50 करोड़, चौथे दिन दोस्तों संडे होगा तो संडे को ये फिल्म जो है लगभग 50 करोड़ प्लस करेगी, और मंडे को दोस्तों 55 करोड़ को भी टच कर सकती है क्योंकि 15 अगस्त है। तो दोस्तों अगर मैं मंडे तक भी बात करूं तो ये फिल्म 250 करोड़ का कारोबार करेगी ग्रॉस कलेक्शंस में। और आपको बता दूं दोस्तों कि ये फिल्म वो फिल्म नहीं है कि भाई 4 दिन रिलीज हुई और 5वें दिन लोग भूल जाए, भाई ये गदर है। 4 दिन चलने के बाद ना लोगों का इंतजार उस टाइम पे भी वैसा ही रहेगा, लोग यही कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, आज 4थे दिन है, फिल्म का थिएटर में काफी ज्यादा भीड़ होगी, लोग दोस्तों धीरे धीरे करके भी इस फिल्म को देखने जाएंगे। और ये मैं गारंटी से कहूंगा कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है इसको लॉन्ग लास्टिंग थिएटर में लगा के रहेंगे, क्योंकि भाई साहब गदर की जो ऑडियंस है ना वो काफी ज्यादा अलग है यार। और ये फिल्म धीरे धीरे भी चलेगी ना दोस्तों, सपोज ये फिल्म 2-3 हफ्ते दबा के चली और 2-3 हफ्ते में इसने कम से कम 500 करोड़ का भी कलेक्शन कर लिया है, लेट सपोज। लेकिन दोस्तों ये फिल्म डूबने वालों में से नहीं है कि 1 महीना चली और डिस्ट्रीब्यूटर निकाल दे, नहीं भाई, ये वो फिल्म है जो डिस्ट्रीब्यूटर इसको टांग के रखेगा, अपने बाहर बोर्ड लगा के रखेगा और धीरे धीरे ऑडियंस इस फिल्म को देखेगी, प्यार देगी, जब तक इसका कलेक्शन मिलता रहेगा। और उसके बाद भी 1 महीने के बाद भी अगर ये फिल्म दोस्तों धीरे धीरे भी 1 करोड़ 2 करोड़ हर दिन अचीव करती रहेगी ना भाई साहब, 2-3 महीने भी चल गई ना तो लिख के दे रहा हूं भाई, ये फिल्म जो है कम से कम भी 800-900 हजार करोड़ तक भी पहुंच सकती है, कितना भी गया गुजरा हो। और क्योंकि ये फैमिली फिल्म है, कोई ऐसा कपल फिल्म तो है नहीं, इस फिल्म को बच्चे देख सकते हैं, स्टूडेंट देख सकते हैं, स्कूल के बच्चे देख सकते हैं, मियां बीवी देख सकते हैं, भाई बहन एक साथ बैठ के देख सकते हैं। दोस्तों ये फिल्म जो है फैमिली फिल्म है इसलिए जनता इसको प्यार भी दे रही है। तो दोस्तों मैंने इसका कलेक्शन का कंपेयर पठान से इसीलिए किया है, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि यार फेक के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो, लेकिन दोस्तों फेक है तो क्या हुआ, मेरी एक्सपेक्टेशंस गदर 2 को लेकर यहां है दोस्तों, यहां नहीं है। अगर मेरी एक्सपेक्टेशंस हाई होगी तो डेफिनेटली दोस्तों उसका रिजल्ट भी मुझे यहां हाई मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक अफवाह ओएमजी 2 को लेकर आ रही है कि ओएमजी 2 दोस्तों जो है अपने नॉन थिएट्रिकल राइट से, मतलब अभी थिएटर से पहले की जो कमाई होती है उसमें 75 करोड़ का प्रॉफिट में चल रही है। भाइयों आपको बता दूं कि ऐसी अफवाहों को सुनने से पहले प्लीज अपने कान को बंद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये अफवाह गलत हो रही है। अक्षय कुमार की जितने भी पीआर टीम में फेक अफवाह और जितने भी समोसा क्रिटिक्स हैं जो दोस्तों 5 रुपए समोसे के चक्कर में बिके पड़े हैं, भाई साहब वो घटिया घटिया न्यूज़ डाल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब इस फिल्म ने 135 करोड़ का कलेक्शंस कर लिया है नॉन थिएट्रिकल राइट से, जिसमें डिजिटल राइट से दोस्तों लगभग कहा जा रहा है 70 करोड़ कमा लिए, 45 करोड़ सैटेलाइट राइट से और म्यूजिक राइट 20 करोड़ से कमा लिए हैं, 75 करोड़ की प्रॉफिट में चल रही है, 60 करोड़ की लागत की फिल्म है। जबकि दोस्तों मैंने खुद सुना है ओएमजी 2 का जो कलेक्शंस बताया जा रहा है 120 करोड़ का बताया जा रहा है, तो 120 करोड़ का तो बजट ही बताया जा रहा है, ठीक है, और यहां ये 60 करोड़ का बता रहे हैं, बजट की फिल्म 60 करोड़ में बनी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों अफवाह पर ध्यान मत दो। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी गुड न्यूज सामने आ रही है, मुझे जो ऐसा लग रहा है भाई गदर 2 के अभी भी चांस है कि एकदम से सोलो रिलीज हो सकती है, क्योंकि CBFC ने दोस्तों अभी हरी झंडी नहीं दी है इस फिल्म को। आपको बता दूं कि ओएमजी 2 को अभी हरी झंडी कंप्लीटली नहीं मिली है दोस्तों, सीबीएफ
एफसी के जो मेंबर है प्रसून जोशी, दोस्तों ये फिल्म अभी भी रिव्यू में पेंडिंग है, यूए सर्टिफिकेशन अभी भी नहीं मिला हुआ है। अगर इसको हरी झंडी नहीं मिलेगी दोस्तों तो इसके चांसेस कम है कि 11 तारीख को रिलीज हो, क्योंकि दोस्तों अगर यूए सर्टिफिकेशन नहीं मिला तो ये फिल्म दोस्तों आपको बता दूं कि 18 साल से ऊपर के बच्चे देखेंगे, यानी कि दोस्तों यहां ऑडियंस जो है ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर यूए सर्टिफिकेशन नहीं मिला, ये फिल्म अगर सेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी, एलजीबीटी एक्ट या सेक्स एजुकेशन पे बेस रहा तो दोस्तों आपको बता दूं कि माइनर इस फिल्म को नहीं देख पाएंगे। और थिएटर के अंदर दोस्तों 16-17 साल के सबसे ज्यादा जो यंग जनरेशन है वो बहुत जाता है फिल्म देखने के लिए, तो अगर ये 16-17 साल की ऑडियंस कम हो जाएगी तो ये ऑडियंस ऑटोमेटिकली दोस्तों मूव होगी थिएटर की तरफ गदर 2 को देखने के लिए, क्योंकि ओएमजी 2 को नहीं देख पाएगी। ओएमजी 2 को भैया पायरेटेड डाउनलोड करेगी और देखेगी, इससे क्या होगा ओएमजी 2 के कलेक्शंस में गिरावट आएगी। तो दोस्तों ये थी बड़ी अपडेट गदर 2 वर्सेस ओएमजी 2 को लेकर। और आपको बता दूं दोस्तों कि गदर 2 की अभी मेरे पास ऐसा कोई नॉन थ्रेटिकल राइट के कलेक्शंस का कुछ रिपोर्ट नहीं आया हुआ है, सिर्फ मैंने बताया था जो मुझे सोर्सेस से पता चले कि म्यूजिक के राइट 25 करोड़ में बिके हैं और 50 करोड़ में दोस्तों बताया था कि जी का जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसने इंक्लूसिव राइट में दोस्तों 50 करोड़ के राइट डिजिटल राइट खरीदे हैं, क्योंकि इंक्लूसिव राइट वो होता है दोस्तों जो हर प्लेटफॉर्म पे फिल्म मेकर जो है गदर 2 को रिलीज करेंगे, चाहे नेटफ्लिक्स हो, अमेजोन हो, ताकि दोस्तों व्यूज बेसिस पे सबसे ज्यादा कमाई के चांसेस है। और जी तो 50 करोड़ दे ही रहा है, तो दोस्तों कुल मिला के ये 100 करोड़ से भी ऊपर तक जा सकता है, केवल डिजिटल राइट की बात कर रहा हूं। और रिस्पॉन्स अच्छे रहे पहले दिन के दोस्तों, मैं हर बार बोलता हूं फर्स्ट डे का अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा ये फिल्म लॉन्ग लास्टिंग 5 महीने तक दिवाली तक टंगी रहेगी, जब तक टाइगर 3 नहीं आ जाता और उसके बाद भी। दोस्तों ये है गदर 2 का प्यार, लोग धीरे धीरे जाएंगे लेकिन दोस्तों कलेक्शन धीरे धीरे भी बनेगा ना, तो दोस्तों उससे क्या होगा बज चलता रहेगा और गदर 2 की ब्रांड बढ़ती रहेगी और फिर दोस्तों गदर 3 के रास्ते भी खुल जाएंगे। और मुझे पता है कि फिल्म मेकर कहीं ना कहीं गदर 2 के अंदर ऐसे लूप फॉल जरूर रखेंगे जिससे गदर 3 की शुरुआत हो सकती है, गदर 2 का एंड ही गदर 3 की शुरुआत भी हो सकती है। तो क्या लगता है दोस्तों, पहली बात गदर 3 आने के चांस है, क्या लगता है गदर 2 दोस्तों ओएमजी 2 को टक्कर दे पाएगी या गदर 2 पठान के जो कलेक्शन है उसके रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी दोस्तों, या फिर मुश्किल भी हो सकता है गदर 2 के लिए। क्या कहते हो लाइक कमेंट करो और अपने भाई रवि चौधरी को प्यार दो। जय हिंद जय भारत। चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।